हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस बेसिक्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं तो कहूँगा कि एक तरह की ये मिथ है, और वो मिथ ये है कि बहुत से लोग, या मैं बोलूँ कि मैक्सिमम लोग, यही सोचते हैं कि जब वो जिम करके आते हैं सो नेक्स्ट डे उनकी मसल्स में पेन होना चाहिए, वो सोरनेस होनी चाहिए मसल्स में, और तभी जाके उनको लगता है कि हमने जो लास्ट डे वर्कआउट किया था वो अच्छा किया था, इफ़ेक्टिव वर्कआउट था और काफ़ी हार्ड वर्कआउट था। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके मसल में सोरनेस नहीं होती है आफ्टर वर्कआउट नेक्स्ट डे, सो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपने जो लास्ट डे वर्कआउट किया वो इफ़ेक्टिव नहीं था, हार्ड नहीं था, हाई इंटेंसिटी वाला नहीं था। सो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मसल में वो सोरनेस होगी या वो पेन होगी आफ्टर इंटेंसिव वर्कआउट। लेकिन हाँ, आपके मसल में वो सोरनेस या पेन हो सकती है अगर आप जिम को हिट कर रहे हैं एक हफ्ते के गैप के बाद, तब जाके कहीं पॉसिबिलिटी है आपके मसल में उस सोरनेस होने की और वो पेन आने की। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपके मसल्स में कोई भी सोरनेस नहीं होगी इवन आफ्टर इंटेंसिव वर्कआउट। यहाँ पे सबसे पहला रीज़न हो सकता है, यू मे बी ईटिंग ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट। अगर आप एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, सो इस केस में आप कितना भी हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट कर लीजिए, उसके बाद भी आपके मसल्स में वो सोरनेस नहीं होगी, वो पेन नहीं होगा। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, एंड सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिंस एंड मिनरल्स, तो उस केस में गाइस आपके मसल्स में बिल्कुल भी सोरनेस नहीं होगी, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। अगर आप यू आर टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट काइंड ऑफ प्रोटीन आफ्टर योर वर्कआउट, दैट मीन्स आप पोस्ट वर्कआउट में अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, एंड उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, सो इस केस में आपके मसल्स की जो रिकवरी होगी वो फास्ट होगी, रिपेयरिंग एंड रिकवरी बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की जो रिकवरी होगी वो काफ़ी जल्दी होगी एज कम्पेयर टू अदर्स जो कि एक बैलेंस डाइट एंड एक हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट हमारे मसल्स का ब्रेकडाउन होता है, और आफ्टर वर्कआउट अगर आप राइट अमाउंट में उसको प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, जो कि हमारी मसल्स की रिक्वायरमेंट है आफ्टर वर्कआउट, मसल्स रिक्वायर प्रोटीन सो दैट वो मसल्स की जो रिकवरी है, रिपेयरिंग वो स्टार्ट हो सके, इसीलिए हमें प्रोटीन कंज्यूम करना होता है। सो आप वो सब अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी को चाहिए, सो इट मीन्स क्या होगा कि हमारी बॉडी की जो मसल ब्रेकडाउन हुए हैं उनकी रिकवरी होती रहेगी, एंड इसीलिए हम नेक्स्ट डे फ्रेश फील करेंगे, एंड नेक्स्ट डे हमारी मसल्स में कोई भी सोरनेस नहीं होगी, कोई भी पेन नहीं होगी। सो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं आप वो बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे होंगे, वो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो सब कुछ आपकी डाइट में अवेलेबल है, और यही रीज़न है गाइस आपके मसल्स में वो सोरनेस नहीं होगी। दूसरा रीज़न यहाँ पे हो सकता है कि योर बॉडी मे हैव एडजस्टेड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट रूटीन। अगर आपने फिटनेस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर रखा है डेली बेसिस पे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को वो एडजस्ट करना बहुत ही आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वर्कआउट पिक करते हैं और उसको ऐड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में, तो इससे क्या होता है, बॉडी के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाता है एडजस्ट करना, और यही भी रीज़न होता है कि आपके मसल्स में वो सोरनेस नहीं होती है, बिकॉज आपकी बॉडी ने उस वर्कआउट के लिए आप खुद को एडजस्ट कर लिया है। गाइस, ये ठीक उसी तरह से जब आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन शुरू के जो 5-6 दिन होते हैं उनमें उठना बहुत ही मुश्किल होता है, एंड यू माइट एंड अप हिटिंग द स्नूज बटन। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब टाइम धीरे धीरे एक हफ्ता जाएगा, 2 हफ्ते जाएंगे, सो आप उठना स्टार्ट करते हैं, देन योर बॉडी विल बिकम हैबिचुअल ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गाइस, तीसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि यू प्रॉब्ली गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। बिल्कुल ठीक सुना आपने, अगर आपको 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिल रही है, सो दैट मीन्स नेक्स्ट डे आपके मसल्स में बिल्कुल भी सोरनेस नहीं होगी इवन आफ्टर ए हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद सोएंगे और नेक्स्ट सुबह जब उठेंगे, सो आप देखेंगे आपके मसल्स में कोई भी सोरनेस नहीं है, सो उसका रीज़न ये होगा कि आपकी जो नींद थी, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप थी, वो काफ़ी अच्छी थी और 7-8 आवर्स की थी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप लो है, सो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे यू विल फील लो, आपका एनर्जी लेवल लो रहेगा, ग्लाइकोजन लेवल लो रहेगा, ठीक है, और आपका मन वर्कआउट में भी नहीं लगेगा। गाइस, नंबर 4 रीज़न यहाँ पे ये है कि डूइंग स्ट्रेचिंग बिफोर द वर्कआउट, बिकॉज स्ट्रेचिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स योर मसल टू मेंटेन द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइस, वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं वर्कआउट से पहले, तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, सो आपके मसल्स में वो सोरनेस नहीं होगी, वो पेन नहीं होगी। यहाँ पे 5वां और आखिरी रीज़न है, ए गुड वार्म अप बिफोर द वर्कआउट। अगर आप एक अच्छा वार्म अप करते हैं अपने वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले, सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको इंजरी से प्रिवेंट करेगा। नंबर 2, इट विल इंक्रीज ए ब्लड सर्कुलेशन,
एंड नंबर थ्री आपकी बॉडी को बहुत फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करेगा उस वर्कआउट को करने के लिए, उन हैवी मूवमेंट्स को लगाने के लिए। गाइज आपने बहुत से लोगों को देखा होगा डायरेक्टली जिम में एंटर करते ही वो जाते हैं सीधा बेंच प्रेस रैक के नीचे या फिर स्क्वाट रैक के नीचे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गाइज, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाइज अगर आप अच्छा वार्म अप करते हैं सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद भी आपके मसल में वो सोरनेस नहीं होगी। आई होप गाइज आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ आ गई होंगी। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, प्रॉपर स्लीपिंग देते हैं, अच्छा वार्म अप करते हैं अपने वर्कआउट से पहले, तो इसके बाद आप जब भी वर्कआउट करेंगे आपके मसल्स में कभी भी सोरनेस नहीं होगी। अगर आपके मसल्स में सोरनेस नहीं होगी तो आप ये मत समझना कि आपका जो वर्कआउट था वो इफेक्टिव नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना गाइस, बिकॉज ये बिल्कुल मिथ है जो कि मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है आपको सब कुछ समझाने की। एंड अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। All right guys, stay fit, stay healthy. My name is Vendor and thank you so much for watching.